Hello future officers not every news is relevant for your upsc preparation hi my name is rohit garcha and i am here to bring you the 25 years experience of abhimanyu ias which has given more than 2200 selections since 1999 this is a 7 minute current affair series called to the point zid se jeet tak hi everyone बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन ये वैसा टॉपिक है जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्रीज हो जाएंगे अभी तक हमने ये देखा था कि हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग चल रहा था विद योर फ्यूल जो गाड़ियों में डलता है पेट्रोल बेसिकली उसके साथ में इथेनॉल ब्लेंडिंग के हमारे कुछ टारगेट्स आए थे एक हमने टारगेट जो है अचीव कर लिया था E10, E20, different kinds of fuel होते हैं Ethanol blending हैं जब हम करते के अंदर राइट? एक हमने टारगेट जो है वो अचीव कर लिया था और दूसरा टारगेट जो हमने आगे जाके अचीव करना था उसको हमने प्रीपोन कर लिया कि अब हम ये टारगेट पहले अचीव करेंगे मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा वहां पे लिखिए आप कि क्या है टारगेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ e, का इंडिया में करंट टारगेट क्या चल रहा है राइट आप अगर यूपीएससी के एक्सपायरेंट है तो आपको ये जो बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए नहीं पता तो इट्स ओके ना पता होना भी एक बहुत बड़ी बात है अच्छी बात है अगर, अगर आप इस बात को साथ साथ ही प्रिपेयर so, ब्लेंडिंग नहीं पता तो ये टॉपिक पहले आप ये देख लीजिए जो अभी हम आज का टॉपिक करने वाले इसके बाद में आप जरूर जाके इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में पढ़िए है ना और क्या टारगेट्स हैं आप वो मेरे को एक बार कॉमेंट में लिख के बताइए शॉर्ट में आइए बच्चे आगे चलते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आपका CBO व्हिच इज कॉल्ड CBG ब्लेंडिंगObligation CBG क्या चीज है कंप्रेस्ड बायोगैस ठीक है जी कंप्रेस्ड बायोगैस की ब्लेंडिंगObligation ब्लेंडिंगObligation का मतलब हुआ कि आपने किसी चीज के अंदर किस चीज के अंदर वो मैं आपको बताऊंगा अभी CBG का जो है आपने ब्लेंड करना है कंप्रेस्ड बायोगैस को आपने ब्लेंड करना है कि कुछ तो आप जो आपका प्रोडक्ट है वो आप नेचुरली एक्सट्रैक्ट करोगे है ना नेचुरल रिसोर्सेज फॉसिल फ्यूल उसके अंदर आप ये रिन्यूएबल रिसोर्स जो है विच इज योर सीबीजी सीबीजी आपका नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स कंप्रेस्ड बायोगैस ये मिलाओगे कितना मिलाना है उसकी एक ऑब्लिगेशन है कि इतना तो मिलाना ही मिलाना है राइट right? वो टारगेट जो है वो गवर्नमेंट uh, ने जो है वो सेट कर दी है साथ साथ इसकी टाइमलाइन भी सेट कर दी है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहली बात तो ये होता क्या है वो इंपॉर्टेंट है

गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑन बायो गैस ब्लैंडिंग मैडेट्री विद एम ऑफ अचीविंग नेट जीरो मिशन टारगेट्स बाय 2070 ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो नेट जीरो का टारगेट है दैट इज 2070 नॉट 2050 जो कि यूएई और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो टारगेट है वो 2050 चल रहा है हमने 2070 सेवेंटी की है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम अपनी पीक जो है राइट वो थोड़ा सा लेट अचीव करेंगे अभी हमने थोड़ी सी डेवलपमेंट करनी है वी आर नॉट डेवलप्ड येट राइट आइए बच्चे और डेवलपमेंट करनी होती है तो आपका कार्बन एमिशन तो होता ही है उसके अंदर राइट right? तभी ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनसे पैसा मांगा जाता है कि आप लोगों ने डेवलपमेंट कर लिया है तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज है उनको आप डेवलपमेंट करने से रोकते हो कि प्लान खराब हो रहा है तो आप उसके बदले उनको पैसा दो वो यही उसके पीछे थॉट है बच्चे आइए बच्चे आगे चलते कौन मॉनिटर करेगा इसको सीआरबी सेंट्रल रिपोजिटरी बॉडी किसकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ठीक है उसके अंडर का ये आपका इनिशिएटिव है आइए बच्चे <coughs> <coughs> तो कंपल्सरी ब्लेंडिंग ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस

ठीक ट्वेंटी फोर का नहीं ट्वेंटी फाइव का है, तो आपने याद रखना है हो सकता है आपको एच सी एस वगैरह के अंदर इसका जो टारगेट है थोड़ा सा घुमा हुआ दिख जाए ट्वेंटी 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 फोर बोल दे वो है ना कुछ और कह दे यहाँ पे राइट तो ध्यान रखना है आपने और तो और गवर्नमेंट ने एक और चीज कही है कि वन परसेंट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को भी मिक्स किया जाएगा है ना आपके एयरक्राफ्ट फ्यूल में बाय ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन है, क्या है? ये भी आप एस एफ पी जो है, जरूर है। ये कि यहाँ पे प्रमोट करेगा बायोगैस प्रोडक्शन को जो हम करना भी चाह रहे हैं विल बी वॉलंट्री टिल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी बच्चे तब तक ही वॉलंट्री एंड उसके बियॉन्ड जो होगा जो जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था इट विल स्टार्ट फ्रॉम

If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IA's current affairs master course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things. Number one, weekly classes. Number two, weekly PDFs of current affairs. Number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid Se Jeet Tak. And if you are ziddi enough, Subscribe for regular updates. This tailor made Current Affairs Master Course is enough for your preparation of Current Affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.